ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आईटीवी हिंदुस्तान के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब कोई अपराधी मारा जाता है तो प्रश्न उठते हैं और प्रश्न उठना लाजमी भी है, लेकिन जिस तरह से विकास दुबे का एक हफ्ते में जो पूरा एपिसोड चला है और उसके बाद कल उज्जैन में पकड़ा गया और उज्जैन में पकड़े जाने के बाद आज कानपुर पहुंचने से पहले जिस तरह से इनकाउंटर के द्वारा उसको मारा गया है या वह मारा गया, इस पे प्रश्न उठते हैं और अगर प्रश्न उठते हैं तो उसका जवाब भी होगा और इसी जवाब को हम तलाशेंगे आज अपने इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में। ये परिचर्चा आज की न तो राजनीतिक होगी न तो किसी द्वेष से प्रेरित होगी, यह केवल उन तथ्यों पर आधारित होगी कि विकास दुबे एक हफ्ते में जिस तरह से कानपुर से उज्जैन पहुंचता है और अगर उज्जैन पहुंचता है तो किनकी गलतियों से पहुंचता है और अगर उज्जैन में वह पकड़ा जाता है तो क्या वह जान के पकड़ा जाता है और अगर जान के पकड़ा जाता है तो फिर उसको कानपुर पहुंचने से पहले वो भागने का प्रयास क्यों करता है। हमारे साथ इस पूरी परिचर्चा में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ रहेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में वकील भी हैं और एडवोकेट हैं, तो ये उन जुडिशली की धाराओं को भी आपको बताएंगे और उसका एक पहलू भी आपको बताएंगे कि जो आज चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहले हम रविंद्र आनंद जी के पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र आनंद जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, एक हफ्ते से जिस तरह से विकास दुबे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की हत्या करता है और हत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पूरे देश की पुलिस की निगाहें उसे ढूंढती हैं, वह कानपुर से उठता है और उज्जैन पहुंच जाता है। लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन का दौर है, पुलिस हर जगह तलाशी भी ले रही है और अगर विकास दुबे जैसा शख्स कानपुर से चला है तो ये लाजमी है कि पुलिस और सक्रिय हो गई होगी। लेकिन विकास दुबे कानपुर से उज्जैन पहुंच जाता है और एक नाटकीय ढंग से उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद पुलिस उसे लेकर के बाई रोड मैं जोर दे के कहूंगा कि बाई रोड उसे कानपुर लाने का एक प्रयास किया जाता है। लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले वह जिस तरह से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है और वह भागने का प्रयास करता है, भागने के प्रयास जैसा पुलिस बताती है कि वह भागने का प्रयास करता है और पुलिस के ही असलहे को छीन के भागने का प्रयास करता है, तो क्या आपको लगता है ये पूरा जो चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, क्या वही चीजें हुई हैं? रविंद्र आनंद जी प्लीज। हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने हमारे बड़े भाई हैं हमारे साथ वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आईटीवी हिंदुस्तान की सारी जनता जो इस समय हमें लाइव देख रही है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जय उत्तराखंड बोलता हूँ। और आज की इस परिचर्चा को जैसे कि आपने कहा, देखिए ऐसा है कि ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये बीजेपी भी जानती है और अन्य पार्टियां भी जानती है कि ये सारा जो प्रकरण हुआ है जिस फिल्मी स्टाइल से इसको जी रविंद्र जी जी, आप मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, ये पूरा एक तरह से जैसे हमारी जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनके अनुसार इसको बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, उसे भगाया गया, फिर उसे फेवर में लेके सरेंडर करने को कहा गया, फिर जब वो सरेंडर कर देता है और उसके बाद जो ये एनकाउंटर, आज से नहीं, ये तो पहले से ही आप जानते हैं कि पुलिस द्वारा ऐसे एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किए जाते रहे हैं और मुझे लगता है कि रविंद्र आनंद जी आपके इस बात पे थोड़ा सा
हमें आपत्ति होगी क्योंकि आज ही सुबह सुबह ये घटना हुई। हम उस फर्जी आप फर्जी इनकाउंटर को आपको तथ्यों के साथ बताना होगा। हमने कहा ये राजनीतिक पर चर्चा नहीं है, अगर फर्जी इनकाउंटर है तो कैसे लगता है कि ये फर्जी है। रविंद्र आनंद जी बिल्कुल भाई साहब, देखिए जिस हिसाब से ये दिखाया गया कि विकास दुबे को मंदिर से अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो खुद चिल्ला चिल्ला कर रोड पर कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उसके बाद वो अपनी खुद ही उसकी गिरफ्तारी नहीं कहूँगा मैं, ये गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी वो होती है जो आप पकड़ते हैं, इसे सरेंडर कहते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मुझे आप अरेस्ट कर लीजिए और मुझे अपनी अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में ले लीजिए, तो इसे आप सरेंडर कहेंगे। वो अपने आप को सरेंडर करता है, उसके बाद वो जो आदमी खुद को सरेंडर करता है वो आदमी भागने का प्रयास क्यों करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस नाटकीय ढंग से ये दिखाया गया कि गाड़ी पलटी, उसने भागने का प्रयास करा, पुलिस से असला छीनने का प्रयास किया, तो ये सारी चीजें देखिए ऐसा है कि ये सब जानते हैं और ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या अन्य जानकारों से भी बात करें तो ये पहले से ही कहा जा रहा था कि विकास दुबे को सड़क पे ही मार दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ रविंद्र आनंद जी मैं लौटूंगा, एक प्रश्न आपको देके जा रहा हूँ। आप ये बताएं, जो आदमी 8 पुलिस वालों की जिस तरह से उसने हत्या की, उस आदमी को क्या थाल सजा करके माला पहना करके देश में सम्मान के साथ लाना था? इसका मैं आपसे जवाब लूंगा। संजीव वर्मा जी क्या आपको ये लगता है कि इस प्रकरण पे राजनीति शुरू हो गई है? संजीव देखिए, 2-3 विषय हैं, उनको हमने अलग अलग तरीके से देखना होगा। जैसे हमारे भाई रविंद्र आनंद जी ने भी बोला, उसने जब उज्जैन के मंदिर में प्रवेश किया, वो फर्जी आईडी के आधार पे उसने अपना नाम कुछ कोई अन्य नाम से, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई अन्य नाम से उसने वहां पे प्रवेश किया, और प्रवेश लेने के बाद जो वहां एक महिला सुरक्षा अधिकारी मिसेज यादव जो अपना नाम कल टीवी पे बता रही थी जी, उन्होंने कहा कि मेरे को उसके जो शक्ल थी और जो पोस्टर्स वगैरह लगे थे, तो मैंने अपना जूम करके उन सारी चीजों का मिलान किया, तो मुझे मुझे लगा कि ये शायद वही है विकास दुबे ना हो, और तो उसके बाद मेरे को पक्का विकास दुबे ही है, और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जब हमने उसको पकड़ा, और जब पकड़ने के बाद उसको थोड़ा सा दबाव उसके ऊपर बनाया, जब उसने बोला कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, तो ये सरेंडर तो कतई नहीं है, ये गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार उसको किया गया। दूसरी बात, जैसा भी आप कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर या ये और वो, कई सारी चीजें बोलने के लिए ये राजनीति का विषय मैं सोचता हूँ नहीं होना चाहिए। और ये जो दुर्दांत एक अपराधी है जो समाज के लिए खतरा बने हुए हैं, जो भरे थाने के अंदर जाके 30-30 पुलिस वालों के सामने एक राज्य मंत्री की सबके सामने हत्या कर देता है, एक ऐसा इतना क्रूर व्यक्ति, क्रूर अपराधी, उसकी पैरवी करना मैं सोचता हूँ आपको शोभा नहीं देता और हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो हमारा सिस्टम में एक ये आया है क्या, मानवाधिकार, मैं कहता हूँ संजय जी जब आप सहमत होंगे, मानवाधिकार उस व्यक्ति के ऊपर तो जरूर लागू होना चाहिए जिसके अंदर मानवता हो, जिस आदमी के अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं हो, जो डिक्लेयर एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी, जिसने 8-8 पुलिस कर्मियों की एक साथ हत्या करने के बाद उनको एक कुएं में डाल के जिंदा जलाने तक की एक साजिश रची, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया,
और वहां पे मौके से भाग गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मानवाधिकार और उसकी पैरवी करना मैं सोचता हूँ कि बहुत शर्मनाक है। संजीव वर्मा जी पहले दिन से ही क्यों लग रहा था कि पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, ऐसा क्यों लग रहा था पहले दिन से? आप क्या चाहते हैं, उसको शरण देनी चाहिए थी, उसको उसको महिमा मंडित करना चाहिए था? बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या महिमा मंडित किया जाना चाहिए? मेरे प्रश्न का जवाब दें, नहीं तो कई प्रश्न आपके साथ बनेंगे। मेरा केवल इतना प्रश्न का जवाब है कि पहले दिन से क्यों लग रहा था कि उसको पुलिस गिरफ्तार जब करेगी तो गिरफ्तार करते ही एनकाउंटर कर देगी, ऐसा क्यों लग रहा था, इसकी जवाब दीजिए ना। आप महिमा मंडल की बात करेंगे, आप ये बताएं एक हफ्ते आप कहां थे, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, कहां थी आपकी सरकार, क्यों नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया, क्यों घूमता रहा, क्यों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में क्यों गिरफ्तार हुआ? तो मध्य प्रदेश में बात बनेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे सर। हमारी सरकार ने ही किया है, हमारी पुलिस ने ही किया है, और आप पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की एक जो आपका गलत मंशा है, इससे थोड़ा सा बाहर आइए। और ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधियों का उनको उनकी पैरवी करना छोड़िए, धीरे धीरे एक एक समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं इस तरह के लोग। और पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अच्छा, जब ठीक ठीक जब आते आते आपके पास, संजय जी, जी जी, इस तरह का अपराधी वो एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें से उतर के भागेगा और वेपन निकाल के, वेपन छीन के, अगर वो वहीं पे 2-4 को शूट कर देता तो उसके उसके बाद फिर ऐसी स्थिति में क्या होता? वो संख्या 8। अच्छा ये बताइए, एसटीएफ ने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई उसको? हैं? बिना हथकड़ी के आपने गाड़ी में क्यों बैठाया? देखिए मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे कहा प्रश्न पे मत जाइए, हम आज के डिबेट में हम आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएंगे। आज के डिबेट में सुप्रीम कोर्ट ने जब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले हथकड़ी लगाने पर पूर्णतः एक बैन किया हुआ है और उसका फायदा उठा के बहुत सारे अपराधी भागने में कामयाब होते हैं। ये कोई पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे वाक्य हुए हैं जिनका अपराधी ने भरसक फायदा उठाया है। चलिए ठीक है, लौटते हैं रविंद्र आनंद जी आपने कहा सही बात है, आपने कहा फर्जी एनकाउंटर, चलिए मैं मान लेता हूँ फर्जी एनकाउंटर। आपने कहा कई विषय ऐसे हैं जो कि आपकी बातों में सत्यता भी झलकती है, लेकिन किसने अधिकार दिया साहब कि आप पहले दिन से ही अगर ये मामला बना था और ये माना जा रहा था कि उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उसको एनकाउंटर के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और अगर ऐसा किया गया तो बट निचुर है कि प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो प्रश्न हमने आपसे किया कि इतना जलंद अपराध करने वाला व्यक्ति, जिस तरह से उसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, क्या पुलिस को चाहिए था कि वह वहीं गिरफ्तार करके उसको माला पहना के कोर्ट में पेश कर देती? रविंद्र आनंद जी, बिल्कुल भाई साहब, देखिए ऐसा है, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, यहाँ पर संविधान चलता है, और चूंकि मैं प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संघ में भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो कृत्य हुआ है ये मानवता के प्रति हनन है। पहली चीज आप ये बताएं, जैसे अभी अशोक वर्मा जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें क्या बुराई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि आपकी मंशा थी। दूसरी बात यह है कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमने एक प्रणाली बनाई हुई है जिसका नाम है न्यायालय, आप उसको न्यायालय तक पहुंचने ही नहीं देते, आप सारी चीजें इशारे में करवाते हैं। आपकी यूपी सरकार, आपकी उत्तराखंड सरकार पुलिस पर इतना दबाव बनाए रहती है कि पुलिस आपके इशारे पर काम करती है, नाचती है। आप ये देखिए कि
हमने जो पूरा सिस्टम बनाया है, हमने निर्भया हत्याकांड भी देखा है ना, हमने रेप और हत्याकांड आपने देखा है ना, निर्भया का कितने साल में इंसाफ मिला उन्हें, मिला ना। तो न्याय की प्रतीक्षा भी जरूरी है। हमने जो कोर्ट खोली है, हमने जो न्यायालय बनाए हैं, हमारा जो संविधान है, हम भारतीय हैं, हम उस संविधान में रहने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद संविधान की बात करते हैं लेकिन खुद ही उसका उल्लंघन भी करते हैं, बल्कि उल्लंघन क्या करते हैं, वो कानून को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं, जिस पे चाहे केस लगाते हैं, जिस पे चाहे गोली लगवाते हैं। और आप ये जानते हैं कि हर कोई, अगर आप नुक्कड़ गली मोहल्ले पान की चाय की दुकान में जाकर आज से चार दिन पहले भी बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे उसको तो पुलिस एनकाउंटर कर देगी, क्योंकि योगी जी के पूरे उसमें वो हैं। तो आप ये देखिए सरकार समझी साजिश है। रवि नाना जी, ये माना जाए कि अगर उसको जिंदा पकड़ करके अगर जुडिशियली कस्टडी में जी, या तो उसको पुलिस पकड़ती और जिंदा रखती तो बहुत बड़े बड़े राज खोलता, क्या ये डर था जी? एक बार दोबारा प्रश्न करेंगे भाई साहब। मेरा यह कहना है कि क्या पुलिस को या सरकार को यह डर था कि वह जिंदा अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो बहुत से राज खोलेगा? देखिए ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो विधायकों के संलिप्त होने की चर्चा भी चल रही है, बात भी चल रही है, और खुद वो विकास दुबे, अगर आप उसकी चार दिन पहले जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें जारी हो रही थी, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ उसकी घनिष्ठता थी और मुझे लगता है कि वो बहुत करीबी था इस डर से कि ये बहुत सारे राज खोल सकता है, ये सरकार के लिए खतरा बन सकता है, ये चुनाव 2022 के लिए खतरा बन सकता है। ये पूरी एक साजिश रची गई है यूपी सरकार द्वारा, एक साजिश को रच देने के बाद उसको फेवर में लेकर सरेंडर करने को कहा गया, और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहीं पर सरेंडर कराया गया, फिर वहां से उसको ले जाया गया, उसको कस्टडी में रखा जाता है। इतने जघन्य अपराध करने के बाद हथकड़ी नहीं लगाई जाती, भागने का एक ड्रामा रचा जाता है और उस पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। देखिए ये मानवता के प्रति एक मानवता का कत्ल है। यदि वो मानवता का दोषी है तो आप भी मानवता के दोषी हैं, यदि वो क्रूर है तो आप महाक्रूर हैं, क्योंकि आप पाप, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। हमारा एक पूरा सिस्टम है, प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उसको फॉलो करते हैं। हमने हजारों केस ऐसे देखे हैं जिसमें कानून के हिसाब से चले हैं, और चूंकि ये कोई छोटा मामला नहीं था, पूरे देश की निगाहें यूपी सरकार पर, भाजपा पर और विकास दुबे पर टिकी हुई थी। उसके बाद ऐसा करना, जघन्य अपराध करना, तो यही दर्शाता है कि बीजेपी ये दिखा देना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। चले लौटते आपके पास संजीव वर्मा जी, क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा रविंद्र आनंद जी कह रहे हैं कि जो वो चाहेंगे और करेंगे कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्या इस घटना से इनकी बातों को बल मिलता है? संजीव वर्मा जी। संजय जी देखिए, मुझे तो रविंद्र आनंद जी की बातों से नक्सलवाद की बू आ रही। आप अभी आप मुझे देशद्रोही भी कहेंगे, ये भाजपा का पुराना सिस्टम है, अभी आप मुझे देशद्रोही भी कह देंगे, ठीक है? मैं बोल सकता था, मैंने बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। जी, मैं आपकी पहली बात भी आपको रुका सकता था, काट सकता था, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अब जैसे मैंने शांति से सुना, मेरी बात की बात करना, संविधान की बात करना, यहाँ पे नक्सलवाद होगी, है ना? अभी आप मुझे देशद्रोही भी साबित कर देंगे, मुझे पता है, ये बीजेपी वालों का पुराना फंडा है। आप देशद्रोह वाली बात करेंगे तो मैं देशद्रोही भी बोलूंगा, आपको तुरंत बोलूंगा। आपने बोल दिया है ये, और ये भाजपा के जो अंधभक्त मनोवृत्ति बन चुकी है। सुनिए, जो संविधान की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, आप उसे नक्सलवाद कहेंगे? आपने क्या बोला अभी? आपने अभी क्या बोला?
आप मुझे नक्सलवाद कहेंगे? अरे नक्सल जो जिस तरह के विचार आप समाज के अंदर पनपाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं न्याय प्रणाली की बात कर रहा हूँ, मैं न्याय पालिका की बात कर रहा हूँ, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भाई साहब आप पहले डिबेट करने से पहले संविधान को पढ़िए, लोकतंत्र के चार स्तंभ है उनके बारे में जानिए। पुलिस वालों को दोषी बोलेंगे, नक्सलवादी बोलूंगा, न्याय पालिका। आप अभी निर्भया की बात कर रहे थे, आप अभी निर्भया की बात कर रहे थे। आपके केजरीवाल सरकार दिल्ली में है, उन्होंने 7 बार नहीं 8 बार निर्भया के दोषियों को बार बार जब फांसी लगती थी जब भी वो कोई ना कोई बहाना लगा के उसको बचाने का। सड़क पे गोलियां मारेंगे, आप ये तो कहना चाह रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं हम ऑन द स्पॉट गोलियां मारेंगे। आप पहले से ही इस बात को कह रहे हैं ना कि न्याय तो लेट होगा, हम पहले ही न्याय कर देंगे। मैं भी तो इसी बात को कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले जिसे चाहेंगे वो जिसे चाहेंगे उसके केस करेंगे, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपकी बात को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल कह रहा हूँ वर्मा जी, आप चाहेंगे उल्लंघन करेंगे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। मानवाधिकार की चादर ओढ़ के समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास ना करें आप। भाई साहब भ्रम कौन फैला रहा है, कहाँ गए अभी संजीव वर्मा जी? लेफ्ट हो गए। नहीं, संजीव वर्मा जी आवाज आ रही है? संजीव वर्मा जी, 5 इनके साथी पकड़े जाते हैं, उन 5ों का भी उसी एक ही जो फिल्म चल रही है उसी फिल्म की तरह उनका भी एनकाउंटर किया जाता है और उसी क्रम में। एक मिनट सुन लीजिए, पुलिस ने अपना काम किया और मैंने फर्जी नहीं जोड़ा है। संजीव वर्मा जी पूरी बात सुन लो भैया, तब तो जवाब दोगे। मैंने फर्जी नहीं जोड़ा है, मैं कह रहा हूं कि एक ही फिल्म चल रही है, 5 उनके साथी पकड़े जाते हैं और उन 5ों को भी एक उसी तर्ज पे एनकाउंटर किया जाता है। 6ठा विकास दुबे पकड़ा जाता है, थोड़ी सी फिल्म तो बदल दी जाती। संजय जी, आपने जब से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और अपराधियों का जो एक राज चल रहा था, आम जनजीवन का घर से निकलना दुभर कर दिया था इन अपराधियों ने। माननीय योगी जी ने अपनी सरकार के आने के बाद पुलिस ने जो अंकुश लगाया अपराधियों पर, आज जनता बहुत सुकून में है। आप तो स्वयं जौनपुर में है, आपको भी वहां की स्थिति से मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर उन्हें अरेस्ट होते हैं तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, और अगर वो किसी भी तरह से पुलिस पर हमला कर रहे हैं तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उसका हम सबको खुले मन से समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मान लिया कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। आपने मान लिया है कि ये एनकाउंटर आपके द्वारा आपकी सरकार के द्वारा कराया गया है, आपने अभी इस बात को माना है, आपने कहा उनका एनकाउंटर होना चाहिए, यानी कि ये प्लान्ड है, यानी कि ये चीन के भागेंगे पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो उनका स्वागत नहीं करेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप जिसे चाहेंगे गोली मारेंगे, जिसे चाहेंगे उस पर मुकदमा करेंगे, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर कोई हमारे संविधान के अनुसार कोई आंदोलन करता है, राइट टू स्पीक भी आप छीन लेंगे कि अगर मैंने बोला तो मेरे को आप मुकदमा ठोक देंगे आपदा प्रबंधन में 188 में। वो आपने अभी 4 दिन पहले किया है, माननीय हरीश रावत जी पे किया है, प्रीतम सिंह जी पे किया है, 165 कांग्रेसियों पे किया है, 15 आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर किया है। आपका ये कहना है
कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा या तो उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा या उसको गोली मार दी जाएगी। अभी आपने इस बात को माना है कि जो ऐसा अपराध करेगा उनका एनकाउंटर होना ही चाहिए। मैंने आपको कहा कि आपकी सोच नक्सलवादी है, इसीलिए मैंने आपको ऐसा एनकाउंटर होना ही चाहिए। क्या आप ऐसे अधिकारी तौर से कहते हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आपके ऊपर सरकार की ओर से इस बात को रख रहे हैं। माओवादी सोच के व्यक्ति हैं आप। क्या आप इस बात को आधिकारिक तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से रख रहे हैं कि आपने अभी कहा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना ही चाहिए और हमें उसका समर्थन करना चाहिए? ये शब्द आपने इस्तेमाल किए। पुलिस के वेपन छीन के भागेगा तो उसके गले में माला डालनी चाहिए या उनका एनकाउंटर होना चाहिए, आप बताइए। आप कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो न्यायपालिका बनाई गई है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके अनुसार पूरी कार्यप्रणाली करते हुए, पूरे उन पर चार्ज लगाते हुए अच्छे से अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत के द्वारा उन्हें चाहे फांसी की सजा होती। ये हमारा भारतीय संविधान है, ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष की बात है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। आप संघीवादी हैं, जो आपके खिलाफ बोलेगा आप उस पर मुकदमे लगाएंगे, आप उन पर गोलियां बरसाएंगे। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, समाज के लिए सोचिए। किसी पर गोली चलाना शर्म की बात, किसी पर बेवजह मुकदमे कायम कराना शर्म की बात, अपनी मनमानी करना शर्म की बात। पूरे लॉकडाउन में आपकी सरकार के द्वारा एक ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे आम जनता को कोई राहत पहुंचाई जाए। शर्म किसे आना चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं। शर्म किसे आनी चाहिए? 5 लाख व्यक्ति जो मजदूर बेचारे वहां पे दिहाड़ी मजदूरी करने अपने बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य जिला प्रदेशों से आए थे, उनको रोटी ना देनी पड़ जाए, उनको राशन ना देना पड़ जाए, उनके भोजन की व्यवस्था ना करनी पड़ जाए। संजीव वर्मा जी दे रहे हो आप, हैं? पहले अपना दामन देखिए फिर आरोप लगाने का। आपके योगी जी द्वारा उन मजदूरों को वापस लेने से इनकार किया गया, पहले ये भ्रम फैलाया गया कि हम दिल्ली से सभी मजदूर भाइयों के सामने हजारों की संख्या में वो लोग एकत्रित हुए, बाद में 1200-1400 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा। इसका जवाब 2022 में जनता आपको देगी। वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, एक मिनट रुकिएगा। संजीव वर्मा जी उनको अपने प्रदेश में उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे। क्यों झूठ बोलते हैं? आपका संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी में भी आपको जूते पड़ने वाले हैं। संजीव वर्मा जी देखिए, अभी अभी हम कोरोना काल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल विकास दुबे तक सीमित है। विकास दुबे के इनकाउंटर को जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निंदा की, और निंदा क्या की, उन्होंने कहा कि अगर उनकी गाड़ी ना पलटती तो हो सकता है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की सरकार पलट जाती। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उस घटना को गलत, उन्होंने कहा पहले से ही पता था कि इस तरह से हत्या की जाएगी। ये सब लोग अपराधियों को शुरू से शरण देने वाले लोग हैं, और मैं सोचता हूँ अगर इन तथ्यों की जांच कराई जाती है, हमने नहीं, तड़ी पार को आपने शरण दी हुई है। तड़ी पार आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी में नहीं है कोई तड़ी पार, मुजरिम आपकी पार्टी में है। दिल्ली के 34 विधायक हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। 34 विधायक कितने ऐसे हैं आपके? संजीव वर्मा जी अगर आपको नहीं लगता कि अगर उसको जिंदा पकड़ के उससे बहुत से राज उगलवाए जा सकते थे, बहुत से ऐसी बातें निकल के आ सकती थी जो आने वाले समय में कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है? एक चीज है ना, मेरी बात सुनिए,
अगर गाड़ी ना पलटती और वो गाड़ी से उतर के ना भाग रहा होता तो उसको तो अरेस्ट करके लेके आने वाले थे ना कानपुर भैया, पैर में पूरी लेके आने वाले थे, तो आपका ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना बिल्कुल सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो लेके कहां जाने वाले थे आप? तो एनकाउंटर के लिए ले गए थे उसे, प्रयास किया आप तो उसे लेके ही एनकाउंटर के लिए गए थे। उसको उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, आजा भाई गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ऐसे ऐसा वो सुनने वाला आपको लगता है? आप एक पार्टी के, आप एक सम्मानित पार्टी के यहाँ पे वक्ता के रूप में हैं, आपको संविधान का ज्ञान होना चाहिए, आपको लोकतंत्र के बारे में पता होना चाहिए, तब आप चर्चा में आए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार उसे अरेस्ट करना चाहिए था, उसको इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए था, उसके बाद उस पर केस लगा के संगीन धाराओं से उस पर फांसी सजा या उसे 14 साल 20 साल की सजा होती वो करना चाहिए था, ताकि उस पर गोलियां बरसानी चाहिए थी। ये आप बीजेपी वालों का बहुत गलत। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव संजीव जी बात सुन लेते हैं। संजीव जी एक बार जरा रविंद्र जी की बात तो सुन लीजिए। संजीव जी रविंद्र जी की एक बार बात तो सुन लीजिए। संजीव जी 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 रविंद्र जी, चूंकि आप भी यूपी से आते हैं और मैं भी यूपी में सभी जिलों में घूमा हूं, देखिए ये योगी जी ने अपनी दबंगता को दिखाने के लिए, देखिए यूपी में जिस प्रकार की राजनीति होती है वो आपसे छुपी नहीं है, वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार की राजनीति किस प्रदेश में होती है। आप एक भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चूंकि आप खुद यूपी से बिलोंग करते हैं और आप भली भांति से जानते हैं कि इस कांड के पीछे जो मैसेज दिया जा रहा है, अभी हम उस मैसेज पे बात नहीं कर रहे हैं, इसको एक मैसेज के रूप में दिया जा रहा है कि हम दबंग हैं, यदि आपने कुछ भी ऐसा किया तो हम गोली मारेंगे, केस करेंगे, लाठी बरसाएंगे, हम मानव अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, हम आप पर केस ठोके आपदा प्रबंधन पे, हम 188 धारा में आपको बंद करेंगे। एक मैसेज देने का काम यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। चले चले संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, अभी जो उस दिन की घटना में बताया जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला करने वाले लगभग 3 से 4 दर्जन लोग थे, तो क्या ये माना जाए कि ये जो 3 से जो बचे हुए लोग हैं वो भी इसी तरह एनकाउंटर के शिकार होंगे? संजीव वर्मा जी, संजीव जी देखिए, जो कानून की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया तो आप मान ही नहीं, आप तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर बिल्कुल सही है, कानून की प्रक्रिया की अभी तक आपने बात ही कहां करी वर्मा जी। संजीव वर्मा जी आपने तो कहा कि एनकाउंटर होना ही चाहिए, सबको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, उन सबको ट्रेस करने का किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो भी पुलिस के हत्थे जैसे चढ़ता रहेगा उनसे कानून के दायरे में किया जाएगा भी। क्या बोल रहे हैं जैसे जैसे जो जो हत्थे चढ़ेगा उसका एनकाउंटर किया जाएगा? पहले गिरफ्तार करने की बात करी है, मैंने एनकाउंटर की बात नहीं करी है। आपने अभी तो कहा है कि ऐसे एनकाउंटर ऐसे लोगों का होना ही चाहिए, हम उनका कोई स्वागत नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का एनकाउंटर होने का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, ये आपके शब्द थे, आप अपने शब्दों से वर्मा जी। पुलिस के ऊपर हमला तो छोड़ा जाएगा क्या, बताइए? हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया जाएगा, तो जो लोग वांछित चल रहे हैं तो हम ये मान लें कि आप उनका एनकाउंटर कराने वाले हैं वर्मा जी। ये सोच आपकी है, मेरी नहीं है, ये आपकी सोच है मेरी नहीं है। नहीं आप ही कह रहे हैं ना कि इनको एनकाउंटर होना ही चाहिए, आपने कहा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए जो लोग वांछित चल रहे हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो लोग इस केस में वांछित चल रहे हैं क्या वो भी मान लें कि उनका एनकाउंटर होगा? जी वर्मा जी, वर्मा जी आवाज आ रही है? आ रही, पूरी आ रही है। तो वर्मा जी चलिए, अच्छा राजनीतिक पहलू के साथ एक दूसरा पहलू भी जोड़ के देखते हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, अगर इसनी इतनी तन्मयता के साथ, इतनी जल्दी के साथ, इतनी जल्दबाजी के साथ अगर उस पर कंट्रोल का भी काम किया जाए
तो क्या लगता नहीं कि कोरोना से हम अच्छी तरह लड़ सकते हैं? संजय जी, जी आप ये देखिए पूरे विश्व को और भारत को आप कंपैरिजन करके देखिए, जहां हजारों में और लाखों में लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में, आज अमेरिका, स्पेन, इटली, रशिया, उन इन सब जगहों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर हम भारत से उनका कंपैरिजन करें तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। इस चीज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एनकाउंटर में तो उससे आगे निकल गए साहब। जो मैनेजमेंट है हमारा, जो माननीय मोदी जी का मैनेजमेंट है, जो माननीय मोदी जी का जो मैनेजमेंट है लॉकडाउन वाला, लॉकडाउन करके उन्होंने उसको इतना मिनिमाइज कर दिया कि आज हम 20,000 के आसपास की मृतकों की संख्या है कोरोना में। और इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहता हूँ। बस मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ जी। संजीव जी मारे जा चुके। हाँ जी रविंद्र जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए भाजपा का एक नारा है कोरोना को लेके, वो मैं दोहरा देता हूँ, नो टेस्ट नो कोरोना। कोई टेस्ट होगा नहीं तो कोरोना कहाँ से होगा? अरे दिल्ली में यही कर रहे हैं, कोरोना होगा ना श्रीवास्तव जी? जब टेस्ट ही नहीं होगा तो कोरोना कहाँ से होगा? नो टेस्ट नो कोरोना। रोजाना लोग 5 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे दिल्ली में, आपने कहा था सबसे इंडिया के सबसे बढ़िया भारतीय में उपलब्ध है। आज एक एक बेड 130 करोड़ भारतीय में आपने कितने लोगों का टेस्ट कराया? उत्तराखंड की बात करें, कितने लोगों का टेस्ट कराया? दिल्ली में 20 लाख प्रति मिलियन टेस्ट डेली होता है। रविंद्र आनंद जी पिछले तीन चार दिनों में एनकाउंटर के द्वारा 6 आदमी मार दिए गए। कोरोना से कितने मरे होंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए कोरोना से तो मैंने आपको बताया ना, भाजपा का सीधा नारा है नो टेस्ट नो कोरोना। जब टेस्ट ही नहीं होगा, आप ये देखिए कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, भारत में पूरे जो और जहां पे भाजपा शासित राज्य हैं, इनको ऊपर से कह दिया गया है कि कोई टेस्ट ही नहीं करना, क्योंकि टेस्ट करोगे तो कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा। तो नो टेस्ट नो कोरोना सीधा सीधा नारा है भाजपा का। भाजपा देखो नारों पे चलती है, अब की बात सरकार उत्तराखंड में हो रहे हैं। रविंद्र जी झूठ बोलने का ये पूछ रहा हूँ, आप ये बताएं आपके पास कोई तथ्य है कि कितने संजीव वर्मा जी, अगर मान लीजिए उसको जिंदा 2-4 दिन रखा जाता और जो इस पूरे प्रकरण पे एक बार बार बात उठ रही है कि सीबीआई जांच की जाए, किस तरह से किस पुलिस वाले ने वहां तक बात पहुंचाई, तो हो सकता है कि वह बहुत सी बातों को बताता, तो आपको लगता नहीं किसी तरह से उसको जिंदा रखने की जरूरत थी? संजय जी बात सुनिए, जिस दिन से घटना हुई उस दिन से आप लगातार देख रहे हैं पूरे पूरे थाने के थाने सस्पेंड किए जा रहे हैं और उनमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, पुलिस के भी कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, और पूरा का पूरा ये विकास दुबे से जुड़ा हुआ जितना नेक्सस है उसको पूरा पूरा अनर्थ करने का पूरा एक उजागर करने का काम पुलिस कर रही है और प्रशासन कर रहा है। और थोड़ा विश्वास रखिए आने वाले समय में जितने भी अपराधी हैं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त एक प्रदेश बन चुका है,
जो थोड़ी बहुत ही कसर है इस तरह के अपराधियों वाली, और धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसे अपराध होती है। हम रविंद्र आनंद से अंतिम कमेंट लेते हैं। रविंद्र आनंद जी, इस प्रकरण पे आगे क्या होना चाहिए, अंतिम कमेंट आपसे। देखिए, इसकी हम सीबीआई की मांग करते हैं, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। इसमें पूरी तरह से यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार संलिप्त है। ये सुनियोजित एक एनकाउंटर है, इसे फर्जी एनकाउंटर माना जाए। दूसरा, मैं मानवाधिकार आयोग से भी इसकी गुहार लगाऊंगा। मैं इसमें खुद एक एप्लीकेशन डालूंगा कि चूंकि ये मानव अधिकार के उल्लंघन, जो उनके अधिकार है उनका हनन है, उनका उल्लंघन है। आप कोई राय नहीं है कि आप किसी को गोली मार दें, कोई अपराधी हो सकता है लेकिन आप उसको गोली नहीं मार सकते, आप उसका एनकाउंटर नहीं करा सकते। क्यों आपने अदालतें सजाई हुई हैं, उन अदालतों को या तो बंद करा दीजिए, सड़क पर गोली चलाइए, सरेआम लोगों को काट दीजिए। आप क्यों ये सब कर रहे हैं, आपने क्यों घोसला बना रखा है, आपने देश में दम की सले ठीक रविंद्र आनंद जी, धन्यवाद रविंद्र आनंद जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी। दरअसल आज का मुद्दे में सीधे सीधे मेरा मानना है, अगर उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया है, चाहे असला छीना हो चाहे ना छीना हो, अगर भागने का प्रयास किया है और पुलिस ने उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर फायर किया और उसकी मौत हो गई है, तो ये तो सही है। लेकिन अगर ये एनकाउंटर जैसा लोग कह रहे हैं कि सुनियोजित है, पहले से पता था कि विकास दुबे को गिरफ्तार करते ही एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो ये जांच का विषय बनता है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहता, तो सही बात है, बहुत से ऐसे राज निकल के आते जिसकी जरूरत कम से कम सत्ताधारी लोगों के लिए थी। रविंद्र आनंद जी, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। देखते रहे आईटीवी हिंदुस्तान, धन्यवाद। ये है जेएमडी न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।